हम जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और यहाँ जिस चेयर के पास हम लोग बैठे हैं वहाँ पे ये किसी की मोबाइल छूटी हुई है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। आज हम बच्चों को लेकर के आए हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, उसी पार्क में हम बच्चों को घुमाने के लिए लेके आए हैं क्योंकि बच्चे बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं जा रहे थे और मैं भी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो इसी बहाने थोड़ा सा मैं भी बाहर निकली हूँ। और इनकी बनमाशियों का कुछ कहना नहीं है। सिटी में आए हुए हैं और यहाँ जिस चेयर के पास हम लोग बैठे हैं वहाँ पे ये किसी की मोबाइल छूटी हुई है। सासु दूर हटो उससे बेटा, हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें ये फ़ोन उठाना चाहिए या फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, और कोई हमें ऐसा दिख भी नहीं रहा जिससे हम बोलें कि मतलब किसी से मदद ले सके इसके बारे में। किसी की मोबाइल छूटी है और देख के मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर ये कोई बॉम्ब हुआ तो। सो गाइस, यहाँ पे किसी की मोबाइल छूट गई और मुझे नहीं पता है क्या करना है, मुझे देख के इससे बहुत डर लग रही है। और ये है मोबाइल, संभवी गई है गेट से, गार्ड को बुला के लेके आई है। भैया किसी की मोबाइल छूटी है और हमने उसको टच नहीं किया, अगर कोई हाँ, आपका नाम नरेश। नरेश ठीक है भैया, थैंक यू। सामने एक बार बेटा आप सामने चले जाओ। गाइस ये गार्ड अंकल है और वहाँ पे जो मोबाइल थी मैंने बता दिया कि वहाँ पे एक मोबाइल छूटी थी, जाओ। और उसके बाद मुझे दिखी यहाँ पे एक मोबाइल जो किसी की पड़ी हुई थी चेयर पे, और मैंने गार्ड को बुला के गार्ड को दे दिया है और गार्ड का नाम भी पूछ लिया है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि किसी की मोबाइल किसी को मिल जाए,
क्योंकि भाई सबके लिए इतना आसान नहीं होता है सेलफोन ख़रीदना। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, धन्यवाद। मेरी दीदी को चैनल देने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। प्रणाम।